कोडरमा जिले के डोमचांच निवासी सुजीत डोम जो एक दलित परिवार से आते हैं, वह अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 3 महीनों से अंचल के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। सुजीत डोम ने आरोप लगाया है कि अंचल के द्वारा मांगे गए सभी कागजात देने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कर्मचारी के द्वारा 10,000 रुपये घूस के तौर पर मांगे। जब हमने घूस देने से मना कर दिया तो वह जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए टाल मटोल करने लगा। उन्होंने इस बताया कि जब इन समस्या को लेकर अंचलाधिकारी के पास गए तो वह भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से मना कर दिया और वहां से गार्ड के द्वारा धक्का मार कर उन्हें भगा दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि रिश्वत नहीं देने पर ऑनलाइन आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। सुजीत डोम ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। देखिए, हम फरवरी महीना से लगे हुए हैं, उसके पहले से ही लगे हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाना था, हमको इलेक्शन लड़ना है, जो हमारा सीट रिजर्व हो गया है, सुरक्षित है। हम नावाड़ी पंचायत से आते हैं, हमारा वार्ड नंबर 1 है ग्राम रूपणी से। हमने सर जनवरी से ही यहाँ पे कर्मचारियों का, डोमचांच ब्लॉक का जो कर्मचारी है, हमका कर्मचारी सुमित कुमार, तो उनके टच में आए। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में उनके साथ हमने बहुत तरह की बातें शेयर किया। उन्होंने हमें एक माध्यम बताया, क्योंकि हमारे पास खतियान वगैरह है नहीं, वो हमें बताया कि सरकार का एक गाइडलाइन है और चिट्ठी है, आप ग्राम सभा के माध्यम से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उनका ही डायरेक्शन पर हमने ग्राम सभा करवाया, जो फरवरी महीना में ही करवा लिया। सीओ से जब डायरेक्टली जाकर के हम आज मिलते हैं, तो उनका सीधा कहना है कि क्या जी क्या काम है। हमने कहा मैम, हम 3 महीना से दौड़ रहे हैं आपके पीछे, कर्मचारी कभी हमको सुमित के पास भेजता है, सुमित कभी हमको पंकज के पास भेजता है, तो नावाडी किसके पास ही, ये टेबल की घटना है। आप समझिए, हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, वो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम चल के आ रहे हैं। वो हमें एक लैंग्वेज में कहती हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। देखिए,